ब्राह्मण के महीने में जाते हैं, बाकी के समय शंकर भगवान अकेले में बैठ के धुनी दमाते हैं। तो गुरु जी वहां जाकर करना क्या है? कुछ नहीं, केवल शंकर को जल चढ़ाओ, अष्टधन चंदन जो तुम लेकर गए हो उससे ओम बना दो, और ऊपर जो शिवलिंग रहता है, आप लोग ध्यान देंगे, जो शिवलिंग का ऊपर वाला भाग है, यहाँ पिंडी का शिवलिंग के ऊपर का भाग, उस पर अपनी मनोकामना कर कर ओम बना दीजिए। नीचे त्रिपुंड बना दीजिए, एक बेलपत्री को गीला कर कर उस त्रिपुंड के ऊपर चिपका दीजिए, अपनी कामना कर कर। आपको किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर आपकी मनोकामना मात्र 15 दिन में ही पूरी कर देंगे, किसी के आगे नहीं। शिव आराधना का तुरंत फल, तुरंत। और न माने तो मार्कंड जी की कथा का स्मरण कर, न माने तो मार्कंडे की कथा का स्मरण तो करें कि मृगशृंग ऋषि मुनि जिनकी धर्म पत्नी थी सुव्रता, जो भगवत भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, भगवान के भजन में डूबे रहते थे, इन मृगशृंग ऋषि ने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा तप नहीं किया, बहुत बड़ी साधना नहीं की। मारा कौन है ये? मार्कंडे जी के दादाजी। बहुत बड़ी साधना नहीं करे, बहुत बड़ा तप नहीं करे, इन्होंने केवल अगर कुछ किया तो मंदिर में जाते थे भगवान शिव के और शंकर के मंदिर में जाकर गुवारी लगा देते थे, कहीं बैठकर शिव नाम का उच्चारण करते थे, किसी मंदिर में शंकर का गुणगान गाते थे। शादी हो गई, सुव्रता आ गई घर में, वो भी भगवत भजन वाली थी। धर्म पत्नी अगर भगवान दे तो भगवान से विनती करना कि ऐसी देना जो भगवत भजन में डूबी रहे। भले दान पुण्य न कर रहा हो पति, भले सत्कर्म ना कर रहा हो पति, भले व्रत ना कर रहा हो पति, भले कुछ भी ना करे, मंदिर तक ना जाए, पर उन पतियों से निवेदन है कि भगवान से विनती करना कि तुमको अगर पत्नी मिले तो भगवान से विनती करना कि दान पुण्य करने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, सत्कर्म करने वाली हो। और कई लोग पत्नियां कैसे ढूंढते हैं बेटों के लिए, कि बेटा का जैसा नेचर है उससे जुड़ी हुई चाहिए। महाराज लड़के से मेज खाती हुई तो चाहिए, तो लड़के से लड़की मेज खाती ढूंढो, हाइट उम्र कटकाटी सब देकर ढूंढो, पर निवेदन है लड़के की बुद्धि संकीर्तन में नहीं है, लड़के की बुद्धि भजन में नहीं है, लड़के की बुद्धि कथा में नहीं है, लड़के की बुद्धि दान में नहीं है, लड़के की बुद्धि मंदिर देवालय शिवालय तीर्थ में नहीं है, उसको तो हर दिन कहीं घूमने के लिए आगरा जाना है, कहीं गोवा जाना है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं ना जाना है। तो ऐसे लड़के के साथ अगर कोई लड़की ढूंढो तो भगवान से प्रार्थना करना कोई दान करने वाली, पुण्य करने वाली, सत्संग करने वाली, संकीर्तन करने वाली, भजन करने वाली ढूंढना। क्यों, किस लिए?